नमस्कार साथियों साथियों, जैसे कि परीक्षा में हमारी एग्जाम्स जो एमपीपीसी है उसमें मात्र 4 से 5 दिन शेष रह गए हैं। तो हमने आपको बताया था कि हम जो है साइंस के कुछ क्वेश्चंस देंगे आपको, है ना। तो हमने जो सिलेक्ट किए थे कल परसों नाइट में, और आप देख रहे होंगे कि थोड़ी क्या है कि स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, इसलिए अभी पिछले 4-5 घंटों से जो हम ऑनलाइन भी नहीं थे। देखिए, अगर साइंस की बात करते हैं तो साइंस में जो बायोलॉजी सेक्शन होता है वहां से काफी क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम एक काम करते हैं, जो रसायन विज्ञान होता है ना, केमिस्ट्री, तो उसमें से जो कार्बनिक रसायन होते हैं वो पढ़ लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन हो गया, अल्कोहल हो गया, बहुलक हो गया, है ना। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो कार्बनिक रसायन जैसे कि हाइड्रोकार्बन, उसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन है कि पहले विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में कौन से रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था, मतलब कि सॉरी थोड़ी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पहले विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था, प्रयोग किया गया था। तो उसका नाम है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस से उसका उपयोग यूज किया गया था, तो जो मस्टर्ड गैस को रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था, प्रयोग किया गया था, और इसका रासायनिक नाम क्या है, जो मस्टर्ड गैस होती है उसका रासायनिक नाम है डाइक्लोरोडाइएथिल सल्फाइड, इसका रासायनिक नाम। अच्छा क्वेश्चन है, जहरीली गैस है यह, है ना, एक तरह की जहरीली गैस है, और खुली त्वचा पर फफोले, मतलब आपकी त्वचा खुली होती है तो फफोले, तो फफोले वो पार सकती है, मतलब डल सकती है एक तरह से ना। शुद्ध मस्टर्ड गैस कमरे के तापमान पर एक रंगहीन गाढ़ा एवं चिपचिपा द्रव माना जाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, जितने भी जैव यौगिक है उनका अनिवार्य मूल तत्व किसे माना जाता है, वह है कार्बन, है ना। संसार के जितने भी जीव पदार्थ होते हैं, जीव पदार्थ कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं, और कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यतः पाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा आता है, फोटोग्राफी है ना, फोटोग्राफी, उसमें आता है सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि उपयोगी तत्व माना जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड। जो फोटोग्राफी की प्लेट होती है, तो उस प्लेट को विकसित करने के लिए और उसे विकसित करने वाले घोल, जो घोल होता है उसमें तब तक रखा जाता है ये, जब तक उस पर लगा समस्त सिल्वर ब्रोमाइड घुल नहीं जाता, ठीक। क्या है कि थोड़ी गैस वगैरह बन रही थी ना, तो मैंने बोला ना स्वास्थ्य ठीक नहीं है मेरा। फिर सल्फर डाइऑक्साइड किसे पकाने में या फिर पकने में बढ़ावा देता है, तो फलों के पकने में सल्फर डाइऑक्साइड उपयोगी होता है, उसका सहयोग देता है, योगदान होता है उसका। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही
किसके अपघटन से प्राप्त होती है, वो होती मीथेन के। मीथेन क्या होती है? मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस होती है। स्वादहीन भी होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस, कौन सी एक गैस या फिर कौन सी एक स्वादहीन है, फिर रंगहीन है या फिर गंधहीन है ना, इसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मीथेन क्या है, तीन तरह की रहती है। रंगहीन भी होती है, तीनों इसमें मतलब गुण पाए जाते हैं। रंगहीन भी होती है, स्वादहीन भी होती है, गंधहीन भी होती है, जो कि दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। किस क्षेत्र में? दलदली क्षेत्र में पाई जाती है, ध्यान रखना। इसके अतिरिक्त यह कार्बनिक पदार्थ के विघटन से, कार्बनिक पदार्थ के विघटन से और कोयले से निकलने वाली गैसों में भी विद्यमान रहती है। और काले रंग जैसे कि मोटर टायर हो गया, छापे खाने की सही हो गई, पेंट हो गया, कार्बन की छड़ हो गई, इनको बनाने में भी प्रयुक्त होती है। और इसे जो है मतलब ये मीथेन को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलाने से कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है साथियों, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। फिर से सुनना कि इसे जो है मतलब मीथेन को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलाने से, कितने डिग्री? 100 डिग्री ये आ सकता है। कितने डिग्री पर जलाते हैं तो कार्बन प्राप्त होता है, तो क्या होता है? कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है इससे। कितने डिग्री पे? 100 डिग्री पे। और यूं भी बन सकता है कि मीथेन को 100 डिग्री सेल्सियस पर जलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो कार्बन ब्लैक। और जो कि किस काम आता है? छपाई के काम आता है, छपाई के, प्रिंट के लिए, ठीक, छपाई। मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मीथेन गैस का जो उत्पादन जो क्षेत्र होता है, ध्यान रखना, जो धान होती, धान, धान का खेत, वहां से मीथेन गैस प्राप्त होती है। उस क्षेत्र में से मीथेन गैस प्राप्त होती है। धान के खेत हो गई, कोयले की खदान हो गई, घरेलू पशु, जो घरेलू पशु वातावरण होता है ना, घर पे पशु वगैरह पालते हैं, गाय भैंस वगैरह, तो वो वातावरण होता है, तो वहां पर भी मीथेन गैस जो है उत्सर्जन के मानवीय स्रोत माना जाता है। जबकि आर्द्र भूमि, समुद्र, इसमें आर्द्र भूमि तथा समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत है। मतलब कि आ सकता है क्वेश्चन कि मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत किसे माना जाता है? तो आर्द्र भूमि एवं समुद्र को, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन, निम्नलिखित गैस मिश्रण, जैसे कि जो गैस का मिश्रण होते हैं उसमें से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कौन सी गैस वेल्डिंग के लिए? वो है ऑक्सीजन एवं एसीटिलीन, ऑक्सीजन और एसीटिलीन। और गैस वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एसीटिलीन का मिश्रण सर्वाधिक प्रचलित माना जाता है। ठीक साथियों, अच्छा क्वेश्चन थे। और भी देख लेते हैं, जो सिगरेट का लाइटर होता है, सिगरेट का लाइटर स्मोकिंग करते हैं ना, और वो लाइटर होता है, तो उसमें जो है कौन सी गैस होती है? उसमें होती ब्यूटेन। ब्यूटेन, ब्यूटेन क्या है? ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है, ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन माना जाता है ब्यूटेन, है ना। और पढ़ लेते हैं आगे। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है ना। हरे फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का, जो कैल्शियम कार्बाइड होता है उसका उपयोग, प्रयोग किया जाता है। तो क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर उससे क्या उत्पन्न होता है? तो वो होता है एसीटिलीन उत्पन्न होता है, एसीटिलीन, ठीक। अब हम पढ़ेंगे साथियों एल्कोहल, है ना। हमने अभी पढ़े हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल पढ़ लेंगे कि एथिल एल्कोहल में जो एथिल एल्कोहल होती है उसमें किसे मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है? तो उसको मेथेनॉल एवं पीरीडीन, मतलब जो मेथेनॉल पीरीडीन होता है, तो एथिल
अल्कोहल में मिला रख देते हैं तो पानी क्या होता है, जो पीने के अयोग्य बन जा बनाया जाता है उसको, है ना। एथिल अल्कोहल में मेथेनल और पिराडीन को मिला देने से जहर बन जाता है और इसको पीने वाले व्यक्ति जो व्यक्ति होता है पीता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, जो शक्कर का किण्वन करते हैं ना हम, तो उसका किण्वन से क्या उत्पन्न होता है, क्या बनता है, किसका निर्माण होता है, सोचो आप। उस रसायन का तो वो है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल किससे बनाया जाता है, शक्कर के किण्वन करने से बनाया जाता है मिथाइल अल्कोहल, ध्यान रखना, इथाइल इथाइल। वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है, वुड वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। उन शराब त्रासदियों, जो शराब त्रासदियां थी तो उसमें जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, अंधता आदि होती है, तो हानिकारक पदार्थ कौन सा है वो जिसके कारण अंधता जो आदि हो जाती है, तो वो है मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल इसका आंसर भी। मेथिल अल्कोहल क्या है, मेथिल अल्कोहल एक क्या होता है, रंगहीन द्रव होता है, रंगहीन द्रव। अब हम पढ़ लेंगे बहुलक, टाइम देख लेने दीजिए मुझे कितना हुआ, तो 11 मिनट नहीं हुआ तो यार काफी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुलक पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक रबड़ का बहुलक किसे कहा जाता है, तो आइसोप्रीन जो होता है वो प्राकृतिक रबड़ का बहुलक माना जाता है। बहुलीकरण जो है, बहुलकीकरण जो होता है वह अभिक्रिया मानी जाती है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक इसमें कि एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और आपस में जुड़कर कोई अधिक अणु भार वाला बड़ा अणु बना देते हैं, उसका निर्माण कर देते हैं ना। और बहुलीकरण जो होता है, बहुलीकरण उसमें भाग लेने वाले अणुओं को एकलक एवं उत्पाद को बहुलक कहा जाता है। जो भाग लेने वाले अणु होते हैं ना उसको एकलक कहते हैं और उत्पाद को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। आइसोप्रीन जो होता है, प्राकृतिक रबर जो होता है उसका बहुलक है, और आइसोप्रीन एक रंगीन द्रव है जो कि पेट्रोलियम के बंजक आसवन से प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन बनेगा, परफेक्ट बनेगा। आइसोप्रीन एक रंगीन द्रव है जो कि पेट्रोलियम के बंजक आसवन से प्राप्त होता है, तो यह भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आइसोप्रीन का जो आइसोप्रीन है वो कहां से प्राप्त होता है, तो पेट्रोलियम के बंजक आसवन से प्राप्त होता है। ठीक, बुलेट प्रूफ पदार्थ, जो बुलेट प्रूफ पदार्थ होते हैं उनको बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त किया जाता है, कौन सा बहुलक प्रयुक्त किया जाता है, वो होता है साथियों पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड। ठीक, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, पता है आपको, पॉलीएथिलीन, पॉलीएथिलीन जो है प्लास्टिक से उत्पन्न होती है ना। किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है, ऐसा किसका उपयोग है जिसका कि पॉलीथीन संश्लेषण में करते हैं, है ना। जो पॉलीथीन होती है वो एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा बनाई जाती है, मतलब एथिलीन का करते हैं, है ना, एथिलीन। और पॉलीथीन जो है एथिलीन का बहुलक होता है, पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक माना जाता है। ठीक, और पढ़ लेते हैं। बुलेट प्रूफ जो जैकेट होता है उसके निर्माण में कौन से बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में वो करते हैं केवलर, केवलर केवलर का होता है ना। बुलेट प्रूफ, हमने इसके पहले बुलेट प्रूफ पदार्थ पढ़ा था ना, और ये जैकेट है ना, जैकेट के निर्माण का बुलेट प्रूफ जैकेट होता है, तो उसमें निर्माण किसका होता है साथियों, मतलब उसका जो पदार्थ
जो उसका निर्माण होता है, तो उसमें कौन सा बहुलक जो है पदार्थ का प्रयोग करते हैं, तो वो है केवलर, केवलर, केवलर। ठीक, अच्छा केवलर क्या है, क्वेश्चन पूछिएगा कि केवलर क्या होता है, तो केवलर जो होता है वो एक सिंथेटिक फाइबर भी होता है, केवलर एक सिंथेटिक फाइबर भी कहा जाता है, केवलर को ध्यान रखना। और यह जो है ये पॉलीपेराफेनिलिन टेरेप्थोलेमाइड का ट्रेडमार्क नाम भी है। ठीक, कौन से भौलक का उपयोग ना चिपकने वाली कहाड़ी के निर्माण में किया जाता है, कहाड़ी, कौन से बहुलक का उपयोग ना चिपकने वाली कहाड़ी के निर्माण में करते हैं, तो वो है टेफ्लॉन, टे अदफ ला न, टेफ्लॉन। ठीक, टेफ्लॉन क्या है, टेफ्लॉन क्या है, टेफ्लॉन जो होता है फ्लोरोकार्बन होता है, फ्लोरोकार्बन। कौन से पदार्थ का उपयोग बर्तनों की चमकीला बनाने में किया जाता है, बर्तनों को जो चमक आती है ना, तो उसमें होता है जिंक ऑक्साइड। अच्छा क्वेश्चन है, एपीएससी 2008-09-12 तीन बार आ चुका है। ठीक, किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है, फिनॉल वो करते हैं बेकेलाइट, बेकेलाइट का निर्माण करने में किसका प्रयोग होता है, फिनॉल का प्रयोग होता है। वर्ष 1907 में लियो बैकलैंड जो थे इन्होंने फिनॉल और फॉर्म एलिडाइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप बेकेलाइट का निर्माण किया था, किसने, बैकलैंड ने, लियो बैकलैंड ने इसका निर्माण किया था, ध्यान रखना। ठीक साथियों, आज के लिए तो हो गया इतना काफी है, मैं अगर थोड़ी देर से अगर स्वास्थ्य ठीक हुआ, मुझे क्या है बोलने में प्रॉब्लम आ रही थोड़ी है ना, क्योंकि आज मैंने कम से 4-5 बच्चों के आधे आधे घंटे के इंटरव्यू लिए, सलंग तब कंटिन्यू, तो ज़्यादा थोड़ी तबीयत बिगड़ गई मेरी ना, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बाकी तो सब ठीक है। आपको एग्जाम की पढ़ाई वाई करो आप बढ़िया से, कोई दिक्कत हो तो प्रॉब्लम हो तो कॉल करो, फ्री हूँ मैं अभी, और क्वेश्चन दे रहा हूँ थोड़ी देर से ग्रुप में आपको, है ना, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन बनाए हैं वो देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज बताएं कि हाँ सर वीडियो ठीक लगा हो, तो मैं फिर थोड़ी देर से जब स्वास्थ्य जो ठीक हो जाएगा 10-11 बजे समथिंग में आपको हिस्ट्री का वीडियो दूंगा, ऐसे बिल्कुल सेम ऐसा वैसा अच्छे अच्छे क्वेश्चन हिस्ट्री के सिलेक्टेड, आंदोलन हो गए, आक्रमण हो गए, बस बादशाह हो गए, मुगल बादशाह हो गए, उनके बारे में बहुत कहानी काव्य ग्रंथ वगैरह सबके बारे में बताऊंगा। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।